हल्द्वानी में अतिक्रमण पर एक्शन, बढ़ गई लोगों की टेंशन, महिला बच्चे ढाल, बड़ा बवाल। हल्द्वानी में शाहीन बाग पार्ट 2.0। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गफूर बस्ती का मुद्दा अब और भी गहराता नजर आ रहा है। शाहीन बाग की तर्ज पर ही यहां महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया है। जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सड़कों पर उतरकर लोग सरकार से उन्हें बेघर न करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन रेलवे की है और इस पर अवैध कब्जा कर गफूर बस्ती को बसाया गया है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए हाई कोर्ट से आदेश आने के बाद यहां बस्ती वासी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, कड़ाके की सर्दी के बीच उन्हें बेघर किया जा रहा है। इनकी मांग है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने से पहले उनका विस्थापन करके कहीं और बसाए। फिलहाल प्रशासन ने 10 जनवरी तक के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी है। प्रशासन का कहना है कि रेलवे की जमीन पर लगभग 4500 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है। अब जब गफूर बस्ती से यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो ये लोग बेघर होने की दुहाई दे रहे हैं, सड़कों पर उतरकर धरना दे रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसकी वजह से तनाव का माहौल बन रहा है। इनमें ज्यादातर वीडियो में लड़कियों को पढ़ाई से वंचित किए जाने और महिलाओं को बेघर होने की दुआई देते हुए सुना जा सकता है। हाई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने पिछले दिन कुछ जगह अतिक्रमण हटाया था, लेकिन अब भारी विरोध को देखते हुए अभियान को रोक दिया गया। अब 10 जनवरी से भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाया जाएगा। हाई कोर्ट ने दिया था अतिक्रमण हटाने का आदेश 27 दिसंबर 2022 को। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के वनभुलपुरा क्षेत्र में स्थित गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किए थे। एक सप्ताह के भीतर यह अतिक्रमण हटाने की समय विधि भी निर्धारित की थी। साथ ही वनभुलपुरा के लोगों को लाइसेंसी हथियार भी जमा कराने को कहा गया है। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट भी रेलवे की जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए इसे जल्द से जल्द खाली कराने के आदेश दे रही है। ये सिलसिला पुराने कब्जे का है। दावा किया जा रहा है कि क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे की शुरुआत साल 1975 में हुई थी। इस जमीन पर कब्जा करने के लिए पहले यहाँ कच्ची झुग्गियां बनाई गई थी, जिन्हें बाद में पक्के मकान में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह से धीरे धीरे इबादत गाहों और अस्पतालों के रूप में अवैध कब्जे किए गए, लेकिन जब ये कब्जे हो रहे थे तब रेलवे प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। जब जमकर कब्जे हो गए तो वर्ष 2016 में नैनीताल हाई कोर्ट से सख्ती के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन अब तक हजारों लोग अवैध तौर पर वहां फंस चुके थे। पहले भी हटाए गए थे ये कब्जे। वर्ष 2016 में नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के चलते यहां कब्जा कर जमे लोगों ने मुकदमा लड़ा, लेकिन वे कोर्ट में कब्जे को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। डेढ़ दशक पहले भी अवैध कब्जेदारों के खिलाफ अभियान चलाया गया था। उस समय भारी फोर्स तैनात कर कुछ हिस्से से अतिक्रमण हटवाया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ कब्जेदारों के घरों के नीचे रेलवे लाइनें भी निकली थी। हालांकि भारी विरोध के चलते तब यह अभियान शांत हो गया और जो जगह खाली कराई गई वहां पर भी फिर से कब्जे हो गए। अब आपको बता दें, कब्जे हटाने के विरोध में हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक व अन्य 10 लोगों ने कोर्ट का रुख किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई होनी है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।